सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जैक बाकी सभी के साथ फॉगी फॉरेस्ट में आ गया था इमॉर्टल कल्टीवेटर्स का पता लगाने। तभी उन सभी के ऊपर बहुत सारी चीटियां अटैक कर देती हैं और लास्ट में वहां पर वही लेडी कल्टीवेटर आ जाती है जो जैक के ऊपर हमला कर देती है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां वो लेडी कल्टीवेटर फिर से आ गई थी और आते साथ ही उसने जैक के ऊपर अपनी शॉट से अटैक कर दिया था और उसकी शॉट तेजी से जैक की ओर आ रही थी। लेकिन जैक बिल्कुल हैरान खड़ा था कि ये लेडी कल्टीवेटर इतनी जल्दी रिकवर हो गई और फिर आ गई। तभी रोज अपनी गन से उस स्वॉट पर अटैक करती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है तो रोज जैक को बचने को कहती है। तभी जिन जैक को एक शील्ड में कवर कर देता है और वो स्वॉट उस शील्ड को तो ब्रेक कर देती है लेकिन जैक बच जाता है जिसके लिए जैक जिन को शुक्रिया कहता है। अब इधर वो लेडी कल्टीवेटर जैक को कहती है इस बार तो तुम बच गए लेकिन मुझसे बचकर कहां जाओगे। लेकिन जैक भी लेडी कल्टीवेटर का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लग गई। जिस पर लेडी कल्टीवेटर कहती है बकवास बंद करो चमगादड़ की सकर वाले मैं तुम्हें मार दूंगी। ये बोलते ही लेडी कल्टीवेटर जैक के बिल्कुल पीछे आ जाती है और जैक पर जबरदस्त अटैक करके उसे पीछे फेंक देती है जो देखकर रोज कहती है चलो इस कल्टीवेटर को मिलकर ठिकाने लगाते हैं। तभी लेडी कल्टीवेटर जैक को स्वॉट से मारने चलती है लेकिन तभी एडम और लिंटियन अपनी स्वॉट से लेडी कल्टीवेटर को रोक लेते हैं और मौका मिलते ही रोज लेडी कल्टीवेटर पर अपनी गन से अटैक कर देती है लेकिन वो इससे बहुत ही इजीली डॉच कर देती है। तभी पीछे से सूजी लेडी कल्टीवेटर पर अटैक करने आती है लेकिन वो लेडी कल्टीवेटर उस पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देती है। अब इधर जेन फिर से एक शील्ड बनाकर जैक और बाकियों को कवर कर लेता है लेकिन लेडी कल्टीवेटर अटैक करके उस शील्ड को तोड़ देती है जिसमें से इतनी एनर्जी निकल रही थी कि सब पीछे जाकर गिरते हैं जहां अब सूजी रोने लगती है। तो जैक सूजी को वहां से वापस जाने को कहता है क्योंकि वहां बहुत खतरा था लेकिन सूजी हंसते हुए कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तो जैक दोबारा से लेडी कल्टीवेटर पर अटैक करने जाता है लेकिन यहां पर तो जैक का आया और गया वाला हाल था क्योंकि वो लेडी कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और लेडी कल्टीवेटर लिंटियन और एडम से अकेले ही वो भी एक हाथ से फाइट कर रही थी। उसमें भी लेडी कल्टीवेटर उन दोनों पर भारी पड़ रही थी। वो सबसे पहले एडम पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देती है जिसके बाद वो लिंटियन के अटैक से बचते हुए लिंटियन पर अटैक करती है लेकिन लिंटियन उसे चकमा देकर उसके पीछे आकर उस पर अटैक करता है लेकिन लेडी कल्टीवेटर उसके अटैक को डॉच कर लेती है और तभी वो लेडी कल्टीवेटर जमीन पर एक सील लगाकर दूर खड़ी हो जाती है और ये उस लेडी कल्टीवेटर का ट्रैप था। और जैसे ही लिंटियन उस पर अटैक करने आता है उसका पांव उस सील पर पड़ता है जिससे स्पिरिचुअल वाइंस निकलती है जो लिंटियन को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं और अब लेडी कल्टीवेटर लिंटियन की स्पीयर को भी उठा लेती है। लेडी कल्टीवेटर कहती है तुमने मुझसे एरोगेंट होने की हिम्मत की है अब देखो मैं तुम्हें कैसे जहन्नुम में भेजती हूँ। और फौरन ही लेडी कल्टीवेटर लिंटियन के सीने पर उसी स्पीयर से अटैक कर देती है लेकिन तभी जेन लिंटियन को एक बॉडीगार्ड शील्ड से डिफेंस करके कवर कर लेता है जिससे लिंटियन इस बार तो बच जाता है जो देखकर लेडी कल्टीवेटर कहती है तुम्हारी डिफेंस शील्ड बहुत अच्छी है लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। ये बोलते हुए लेडी कल्टीवेटर अपनी स्वॉर्ड लिंटियन को मारने चलती है। अब जेन भी कुछ नहीं कर सकता था और उसे यही लगता है कि लिंटियन तो बस गया लेकिन तभी बगल से जैक आता है जो खड़े खड़े बहुत आसानी से लेडी कल्टीवेटर को किक मारकर दूर फेंक देता है। अब इधर लिंटियन को कंधे पर इंजरी आ गई थी इसलिए जेन उसे फर्स्ट एड देता है और यहां लिंटियन जैक को शुक्रिया कह रहा था उसकी जान बचाने के लिए जिस पर जैक कहता है अरे हम एक ही टीम तो हैं इसलिए शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। और अब जैक लिंटियन का हाथ पकड़कर उसे उठाता है और उसे जल्दी से रिकवर होने को कहता है। जैक का इतना अच्छा बिहेवियर देखकर लिंटियन भी मन में कहता है जैक वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। तभी लेडी कल्टीवेटर फिर से आ जाती है और क्योंकि लेडी कल्टीवेटर थोड़ी जख्मी हो गई थी जिसका फायदा उठाते हुए सारे एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन लेडी कल्टीवेटर बहुत ही तेज थी इसलिए वो उनके बिल्कुल भी हाथ नहीं आ रही थी और सबके अटैक को डॉच कर लेती है। और अब लेडी कल्टीवेटर वहां से भागने लगती है इसलिए अब जैक उसे निपटाने के लिए अपने अर्थ एंड हेवन ट्रेजर का यूज करता है जिससे जैक की स्पीड 500% तक बढ़ गई थी। अब जैक लेडी कल्टीवेटर का पीछा करने लगता है जो देखकर लेडी कल्टीवेटर उस पर मल्टीपल स्वॉट से अटैक करती है लेकिन जैक तो उसके मल्टीपल स्वॉट से नाचते हुए ही बच जाता है। अब जैक उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम मेरे जितनी फास्ट तो नहीं हो इसलिए तुम मुझे हिट नहीं कर सकती हो। वहीं जैक के साथी भी उसकी स्पीड देखकर हैरान रह गए थे। तभी जैक तेजी से लेडी कल्टीवेटर पर अटैक करके उसे पीछे कर देता है। जैक की पावर्स देखकर लेडी कल्टीवेटर सोच रही थी ये लड़का तो कल तक इतना वीक था
अचानक से इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? तो यहाँ जैक अपनी तारीफ करते हुए कहता है, मैं तो हमेशा से ही स्ट्रांग था, बस तुम ही नहीं जान पाई। अब इस बात पर एक बार फिर से लेडी कल्टीवेटर अपनी स्वॉर्ड से जैक के ऊपर अटैक करती है, मगर उसका एक भी अटैक जैक को नहीं लगता। वो बहुत आसानी से उसके सारे अटैक से बच रहा था। ये देखकर लेडी कल्टीवेटर कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही रात में लड़का इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? यहाँ जैक लेडी कल्टीवेटर का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैंने तो सुना था कि इमॉर्टल कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन तुम कुछ खास नहीं हो। ये सुनकर लेडी कल्टीवेटर को गुस्सा आ गया था और वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहां लेजेंडरी स्वॉर्ड को फॉर्म करती है। लेकिन यहाँ जैक भी बिल्कुल तैयार था, क्योंकि उस ट्रेजर के होते हुए उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। लेडी कल्टीवेटर मल्टीपल स्वॉर्ड से जैक के ऊपर अटैक कर देती है, मगर जैक बहुत ही आसानी से अपनी स्पीड की मदद से उसके सारे अटैक से बच जाता है और एक पत्थर से मारकर लेडी कल्टीवेटर को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसके बाद जैक उसे चिढ़ाने लगता है और इससे लेडी कल्टीवेटर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और जैक के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी अटैक करती है, जिससे सब डर जाते हैं कि जैक है या निपट गया। लेकिन लेडी कल्टीवेटर समझ गई थी कि जैक की स्पीड से अभी नहीं जीता जा सकता है, इसलिए यहाँ से निकल लेने में ही भलाई है और लेडी कल्टीवेटर तुरंत ही वहां से भागने लगती है। मगर ये देखकर रोज अपनी हाईटेक गन से उसके ऊपर अटैक कर देती है, मगर उसका एक भी अटैक उस लेडी कल्टीवेटर को नहीं लग रहा था। तभी जैक कहता है, ओ तो तुम भागना चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और जैक अपनी स्पीड से तेजी से लेडी कल्टीवेटर के सामने आ जाता है और उस पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और ये क्लैश बहुत ही पावरफुल था। इससे लेडी कल्टीवेटर तो बचकर निकल जाती है, लेकिन उसके पास से कुछ सामान नीचे गिरता है। अब लेडी कल्टीवेटर वहां से भाग निकलती है और यहाँ जैक थोड़ा सा घायल हो गया था और सभी भागते हुए जैक के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? जिस पे जैक बताता है, वो तो ठीक है, लेकिन अफसोस लेडी कल्टीवेटर भागने में सफल हो गई। तभी सूजी देखती है कि उसके पास से कुछ सामान नीचे गिरा था, जो देखकर जैक अपना बनियों वाला दिमाग लगाते हुए कहता है, इसे उठा लो, हम इसे बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। तो सूजी उन चीजों को उठाती है जिसमें एक मैजिक वेपन था और सूजी कहती है कि इसे साइंटिफिक लैब में देकर हम कुछ इक्विपमेंट्स ले सकते हैं। मगर दूसरा सामान उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या है, जिस पे जैक उसे देखकर बताता, ये तो मेरी छोटी बहन का स्टफ है। अब ये बात सुनकर सभी शॉक हो गए थे कि जैक की एक छोटी बहन भी है। तो यहाँ एडम बताता है, हाँ जैक की एक छोटी बहन है लिली, जिससे बहुत साल पहले कुछ कल्टीवेटर्स ने किडनैप कर लिया था, जिससे जैक इतने सालों से ढूंढ रहा है। और इस बात पे जेन कंफ्यूज होते हुए कहता है, मैंने तो सुना था इमॉर्टल कल्टीवेटर्स लोगों की सोल को सक करते हैं, लेकिन ये पहली बार सुन रहा हूँ कि वो किसी को किडनैप भी करते हैं। लेकिन क्या अभी भी उसकी बहन जिंदा होगी? जिस पे लिंटियान कहता है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो जेन कहता है, मैं तो बस सोच रहा था। तभी एडम उन दोनों को चुप रहने को कहता है, क्योंकि दूसरी ओर जैक बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। अब सूजी कहती है, हमें जैक की बहन का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। जिस पे जैक कहता है, कैसे? क्योंकि हमें तो उनके टेरिटरी के बारे में कुछ पता ही नहीं है और ये फॉगी फॉरेस्ट तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे? जैक को लग रहा था कि वो किसी काम का नहीं है, वो अपनी बहन को नहीं ढूंढ पाएगा। जिस पे रोज उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है, तुम जरूर ये कर सकते हो, क्योंकि तुमने अभी अभी उस लेडी कल्टीवेटर को यहां से भगाया है। तभी सूजी भी कहती है, हाँ बिल्कुल, हम जरूर तुम्हारी बहन को ढूंढ लेंगे। और वो लेडी कल्टीवेटर जब दोबारा यहाँ पर वापस आएगी, तो इस बार हम उसे पकड़ लेंगे और उससे पता लगाएंगे। अब बाकी सब भी जैक का साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तभी रोजी उन सभी से कहती है, अब हमें काफी दिनों तक यहाँ पर रुकना है, इसलिए हमें अपनी कार के पास चलना होगा, जिसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, टाइम के साथ ये सीरीज और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें अभी बची हैं। अब देखना ये है कि जैक की बहन कौन है और किस हालत में है। इस सीरीज का अगला एपिसोड अगले ट्यूसडे को हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और जिसने इस सीरीज के स्टार्टिंग के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में दे दूंगा, आप उसको जाके जरूर देखिएगा।